हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ओरिजिनेटिव साइंस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एनसीईआरटी क्लास 7th चैप्टर नंबर 6, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज चेंज। चेंज मींस होता है आपका द, जिसे हम कहते हैं परिवर्तन और बदलाव। ठीक है, मतलब जो आपको चेंजेस आपके चारों तरफ दिख रहे हैं, जैसे कि आपको दिखता होगा राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स होती हैं, और कुकिंग ऑफ फूड हो गया, कंबशन ऑफ फ्यूल हो गया, कंबशन ऑफ वुड हो गया। तो ये सारे जो चेंजेस हैं, आप अपने चारों तरफ डेली लाइफ में आप चेंजेस देखते हो। कई बार आपकी मम्मी आपको बोल देती हैं कि जाके वो लेमन वाटर बना दो, तो ये क्या है, आपका एक काइंड ऑफ चेंजेस हैं। ठीक है, जो आप अपने चारों तरफ देखते हैं, तो आप हमेशा ऑब्जर्व करते होंगे कि उनमें से कुछ चेंजेस आपके रिवर्सिबल होते हैं। मतलब रिवर्सिबल मींस हो गया कि आप उनको दोबारा से उसी स्टेट में लेके आ सकते हो, और कुछ चेंजेस होते हैं आपके इरिवर्सिबल, मतलब कि वो अगर एक बार चेंज हो गए तो हम उसे दोबारा उसी स्टेट में लेके नहीं आ सकते हैं। तो इस टाइप के चेंजेस को हम बोलते हैं आपका इरिवर्सिबल चेंज। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज एक्चुअल में होते क्या है। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल से आप समझ रहे होंगे, फिजिकल मतलब आपको जो अपीयरेंस, जो आपको दिख रहा है सामने, जो आपको जो चेंजेस आपको दिख रहे हैं, फिजिकल चेंजेस हो गए। जैसे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की शेप, साइज या कलर या फिर स्टेट में चेंज हो रहा है, तो दैट इज योर फिजिकल चेंज। मतलब वो आपके फिजिकल, ये आपके क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, लाइक शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। ये क्या है, आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। और अगर किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो रहा है, तो इट मींस दैट इज योर फिजिकल चेंज। जैसे कि अगर किसी सब्सटेंस का शेप या फिर साइज में चेंज हो रहा है, तो दैट इज योर फिजिकल चेंज। ठीक है, अब जो फिजिकल चेंज होता है, इसमें जनरली ये जो फिजिकल चेंज है, ये जनरली क्या होते हैं, आपके रिवर्सिबल होते हैं। मतलब अगर आपने इसको एक बार किसी स्टेट में चेंज कर दिया, तो आप उसे दोबारा से उसी स्टेट में लेके आ सकते हो। जनरली जनरली ये क्या होते हैं, आपके रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, और आपको फिजिकल चेंज में कभी भी कोई नया प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, जब भी आप फिजिकल चेंज देखोगे किसी ऑब्जेक्ट में, तो यू विल नेवर गेट अ न्यू प्रोडक्ट। जैसे कि आपने देखा कि आपने आइस से आपने वाटर बनाया, फिर आप उसी आइस से दोबारा, फिर आप उसी वाटर से, सॉरी, दोबारा आप उसी वाटर से आइस को बना सकते हो। अगर आइस से वाटर बन सकता है, तो वाटर से आइस भी बन सकता है ना, ऐसे ही होता है। तो मतलब इसमें क्या हो रहा है, आपका स्टेट चेंज हो रही है। ठीक है, तो आप मतलब उस कंडीशन को आप आइस से दोबारा वाटर बना सकते हो, और वाटर से दोबारा आइस बना सकते हो। तो मतलब ये क्या हो गई, आपकी रिवर्सिबल हो गई। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो, आपने आइस से क्या बनाया, वाटर बनाया। ठीक है, तो वाटर से हम फिर से आइस बना सकते हैं। इट इज योर रिवर्सिबल स्टेट। ये कौन सी स्टेट है आपकी, रिवर्सिबल से स्टेट हो गई, रिवर्सिबल चेंज हो गया। ठीक है, कि इसमें आप क्या कर सकते हो, इस आइस से वाटर बना सकते हो, और वाटर से आइस बना सकते हो। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, आपका रिवर्सिबल चेंज हो रहा है। ठीक है, बट आपको कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, आपको आइस से वाटर मिल रहा है, लेकिन आइस से आपको वाटर मिल रहा है, लेकिन आपको पता है कि जो ये वाटर हमें मिला है, यही आइस है ना, ये कोई नया प्रोडक्ट नहीं है, आपको कोई नई चीज नहीं मिल रही है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि फिजिकल चेंज में आपको कभी भी कोई नई चीज नहीं मिलती है। जैसे कि आपने कोई पेपर टियर किया, ठीक है, आपने कोई पेपर फाड़ा, अब आप जानते हो कि अगर आप पेपर को दोबारा से अगर स्टिक करने की कोशिश करोगे, तो आपको फिर भी कभी वो ओरिजिनल चीज नहीं मिलेगी जो आपके पास पहले थी। ठीक है, तो इसमें आपने क्या किया, आपने उसको फाड़ तो दिया, फाड़ने के बाद उसमें चेंज आया। ठीक है, बट वो चेंज कैसा है, इरिवर्सिबल चेंज है ना, हम उसे दोबारा से सेम वैसा ही नहीं बना सकते जैसा हमारे पास ओरिजिनल पेपर पहले था। तो इस चेंज को हम बोलेंगे, आपका कौन सा चेंज है, ये आपका दैट विल बी योर फिजिकल चेंज, क्योंकि पेपर को टेयर करने से आपको कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं मिला। ठीक है, दैट इज योर फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लाइक इन्फ्लेटिंग बलून्स,
बर्निंग ऑफ वैक्स हो गया आपका, स्ट्रेचिंग, रबर बैंड्स, ये सारे क्या हैं आपके कुछ फिजिकल चेंजेस हैं। आप अपने डेली लाइफ में भी देखते होंगे, जब आप आटे की गोली से जब आप रोटी बनाते हो, है ना, रोटी बेलते हो, जो गोल रोटी बनाते हो, आप उस गोल रोटी को फिर से अगर फोल्ड कर दोगे तो आप उसे फिर से लुई बना सकते हो उसकी, है ना। तो ये क्या है आपके कुछ फिजिकल चेंजेस हैं। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं आपका केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज जो है आपका फिजिकल चेंज के अपोजिट होता है, क्योंकि केमिकल चेंज में क्या होता है आपका किसी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाती है। जब किसी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं तो यू ऑलवेज गेट अ न्यू प्रोडक्ट। तो जो केमिकल चेंज है उसमें आपको हमेशा एक नया प्रोडक्ट मिलता है, और इस टाइप के चेंजेस हमेशा इरिवर्सिबल होते हैं। क्या होते हैं चेंजेस आपके? इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। ओके, केमिकल चेंज क्या है आपके? इरिवर्सिबल होते हैं, और इससे हमें हमेशा एक न्यू प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को, जैसे आपका मिल्क है, ठीक है, मिल्क से आपने कर्ड बनाया, ठीक है। अब जो कर्ड है, कर्ड की जो प्रॉपर्टीज हैं और जो टेस्ट है वो बिल्कुल आपके मिल्क से अलग है ना। मिल्क बिल्कुल अलग हो गया और कर्ड बिल्कुल अलग हो गया, ठीक है। तो यू सी, तो यू हैव सीन एंड यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड कि दोनों की प्रॉपर्टीज क्या हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि आपको मिल्क से एक नई चीज मिल रही है ना। तो यू विल सी कि आपको मिल्क से हमेशा क्या मिल रही है, एक नई चीज मिल रही है। इसकी प्रॉपर्टीज इससे बिल्कुल अलग है, ठीक है, मिल्क से बिल्कुल अलग है। और आपको मिल्क से क्या मिल रहा है, एक नई चीज मिल रही है, ठीक है, क्या मिल रहा है आपको, कोई नया प्रोडक्ट मिल रहा है। तो दिस काइंड ऑफ चेंजेस जो है आपके वो हो गए आपके केमिकल चेंज। अगर हम और एग्जाम्पल से समझे, जैसे आपका कम्बशन ऑफ मैग्नीशियम रिबन हो गया, अगर आपने मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो यू विल फाइंड कि आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, एक नया प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। बर्निंग ऑफ वुड, आपने लकड़ी को जलाया तो आपको क्या मिलेगा, उससे कोयला मिलेगा, एशेस मिलेंगी, ठीक है। एट रस्टिंग ऑफ आयरन, जब आपने देखा होगा आयरन पे जंक लग जाता है ना, वो ऑरेंज ऑरेंज सा दिखा, पर कुछ ब्राउनी सा रस्ट कलर का, जो दैट इज रस्ट, ठीक है, रस्ट होता है जो, ठीक है, दैट इज योर रस्टिंग, जो आयरन की क्या जाती है, रस्टिंग हो जाती है। तो वो जो चेंज है दैट इज योर इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल से इसे और अच्छे से समझते हैं। अब आप देखिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी जैसे कि लाइम वाटर, जिसे हम लाइम वाटर बोलते हैं, लाइम वाटर से आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराया, ठीक है, तो आपको क्या मिला, आपको मिला कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर H2O, ठीक है, आपको क्या मिला, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसने क्या किया, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसने लाइम वाटर को मिल्की कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, मिल्की बना दिया लाइम वाटर को, किसने, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने। तो ये जो चेंजेस हैं, इस तरीके के चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं, क्योंकि आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराया लाइम वाटर से, एंड आपको क्या मिला, कैल्शियम कार्बोनेट मिला, जो कि इससे क्या है, बिल्कुल अलग है। ये जो आपका लाइम वाटर है, इससे बिल्कुल अलग है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। सो इस टाइप के चेंजेस आपके क्या हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं। तो आप समझ गए कि जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, कि फिजिकल चेंजेस में आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज का चेंज होता है, और केमिकल चेंज में केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। ओके, और दूसरा जो आपका फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज में आपको हमेशा नया प्रोडक्ट नहीं मिलता, आपको कोई भी कभी भी नया प्रोडक्ट नहीं मिलता है फिजिकल चेंज में, और केमिकल चेंज में यू ऑलवेज गेट अ न्यू प्रोडक्ट। और दूसरी बात कि जो फिजिकल चेंज है वो जनरली रिवर्सिबल होते हैं, और जो केमिकल चेंज है वो इरिवर्सिबल होते हैं। तो होप आपको केमिकल और फिजिकल चेंज में डिफरेंस समझ में आया होगा, बाकी के टॉपिक हम अभी डिस्कस करेंगे। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन।
रस्टिंग ऑफ आयरन से आप समझ गए होंगे कि जंग लगना आयरन का, और ये क्या है, एक केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, आपका एक केमिकल चेंज है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन से होता क्या है, जो आपका आयरन है उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। जैसे कि आप आयरन से ब्रिजेस बनाते हो, शिप्स बनाते हैं हम, बहुत सारी मशीन्स बनाते हैं, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, उनकी एफिशिएंसी या फिर वो मशीनरी क्या जाती है, खराब हो जाती है। वो क्यों खराब हो जाती है, बिकॉज ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। आपने देखा होगा ना, कभी जो पुल बहुत पुराना हो जाता है तो लोग उस पर आना जाना छोड़ देते हैं, क्योंकि उसमें उसके टूटने का खतरा होता है, क्योंकि जो उसका आयरन की जो क्वालिटी है वो खराब हो चुकी है, बिकॉज ऑफ रस्टिंग। रस्टिंग की वजह से क्या है, वो आयरन खराब हो चुका है, ठीक है। अब बेसिकली ये रस्टिंग होती कैसी है, कैसे होती है, तो जो रस्टिंग है आपकी वो होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब ऑक्सीजन एंड आपका वाटर। जब आयरन आपके ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है, इसे एयर से, और वाटर कहाँ से मिल रहा है, मॉइस्चर, जो एयर में जो वाटर प्रेजेंट होता है। आपने देखा होगा ना, बरसातों में कई बार जो आपका आयरन है वो बहुत जल्दी रस्ट हो जाता है, क्योंकि उन्हें वाटर कंटिन्यूसली सप्लाई हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या जाता है, आयरन आपका जल्दी खराब हो जाता है। तो जब आयरन आपके ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में आता है, तो उसकी वजह से आयरन क्या बनाता है, आपका आयरन ऑक्साइड बनाता है, इसे हम क्या कहते हैं, आपका रस्ट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, हम रस्ट बोलते हैं, ठीक है। कैसा होता है रस्ट, रस्ट होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर। जब आयरन ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वो क्या बनाता है, आपका आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसे हम रस्ट बोलते हैं। और रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए जरूरी है दो चीजें, कौन सी, ऑक्सीजन एंड वाटर, दोनों के दोनों क्या है, जरूरी है किस चीज के लिए, रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए। अब रस्टिंग ऑफ आयरन जब हमने पढ़ा है, तो हमने इसके कुछ, इसको कम करने के कुछ तरीके भी ढूंढे होंगे, या ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब आयरन को रस्टिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं। आपने देखा होगा आपके घरों के जो विंडोज हैं, और जो आपके जो भी डोर्स हैं, उनमें जो भी आयरन है उसको हमने पेंट किया हुआ है, या फिर ग्रीस कर देते हैं हम इसलिए उसे ग्रीस या पेंट कर देते हैं, ताकि जो आयरन है वो आपके वाटर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब कॉन्टैक्ट में ना आए, ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं, आयरन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं रस्टिंग से। और दूसरा जो मेथड हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ कि हम आयरन के ऊपर किसी और मेटल की लेयर लगा दें, है ना, डिपॉजिट कर दें। तो इससे भी क्या हो सकता है, हम रस्टिंग, आयरन को रस्ट से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या होती है, गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। अब गैल्वेनाइजेशन का एग्जाम्पल क्या है, आपने अपने घरों में देखा होगा जो आपके वाटर पाइप्स होते हैं, जिनसे आपके वाटर का सप्लाई होता है आपके घरों में, ठीक है, वो क्या होते हैं, गैल्वेनाइज्ड होते हैं। मतलब गैल्वेनाइज्ड मतलब उनमें जो वो हैं बने हुए आयरन के, लेकिन उनके ऊपर जिंक की लेयर भी डिपॉजिट है, इसकी वजह से वो जल्दी रस्ट नहीं होते हैं, ओके। अब आपने स्टेनलेस स्टील देखा होगा, स्टेनलेस स्टील, आपको पता है कि वो रस्ट नहीं होता है। तो वो जो स्टेनलेस स्टील है वो सिर्फ और सिर्फ एक मेटल से नहीं बना है, वो बहुत सारी मेटल्स को मिला के बना है, जैसे आपका क्रोमियम, निकल, मैग्नीज को जब हम क्या करते हैं, आयरन के साथ मिक्स करते हैं विद कार्बन, तो उससे क्या बनाते हैं, हम स्टेनलेस स्टील बनाते हैं, और वो रस्ट नहीं होता और वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। ये रस्टिंग ऑफ आयरन की वजह से हमें हर साल बहुत सारा मॉनेटरी लॉस होता है, ठीक है। जैसे आपके जो शिप्स होते हैं, आपको पता है जो शिप हैं, शिप हमेशा वाटर में रहते हैं और उसमें सॉल्ट की प्रेजेंस होती है सी वाटर में, तो उसकी वजह से जो आप रस्टिंग है वो और ज़्यादा फास्ट हो जाती है, ठीक है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें हमेशा जो है शिप के वो पार्ट्स को हमेशा चेंज करना पड़ता है, और इसकी वजह से बहुत सारा मॉनेटरी लॉस होता है, ओके। So now we will discuss about the last topic, that is your crystallization.
तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन में हम बेसिकली क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस का एक प्योर सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, प्योर सॉल्यूशन बनाते हैं और उस प्योर सॉल्यूशन का हम क्रिस्टल फॉर्म में उसे ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस का हमने प्योर सॉल्यूशन बनाया और उस सॉल्यूशन से हम उसके प्योर क्रिस्टल्स को क्या कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं, दैट इज योर क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल्स आपको पता होगा, आपने देखे होंगे क्रिस्टल्स, है ना। ओके, तो क्रिस्टलाइजेशन क्या है? क्रिस्टलाइजेशन है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्योर लार्ज क्रिस्टल्स फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। उनके सॉल्यूशन से जब हम प्योर लार्ज क्रिस्टल्स को ऑब्टेन करते हैं उसे हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। एंड ये क्रिस्टलाइजेशन क्या है, आपका एक एग्जांपल है फिजिकल चेंज का, क्योंकि अगर हमने क्रिस्टल बनाए हैं प्योर सब्सटेंस से तो हम उसे वापस उसी सॉल्यूशन में बना कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्रिस्टल कैसे बना सकते हैं हम, अब आप देखिए, हमने क्या किया, हमने एक जार में वाटर ले लिया, ठीक है। इसमें हमने क्या ले लिया है, वाटर ले लिया, ठीक है। अब हम इसको हीट करेंगे वाटर को, और इसमें कुछ ड्रॉप्स हम डाइल्यूट, क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की हम इसमें कुछ ड्रॉप्स ऐड करते रहेंगे, ठीक है। कुछ ड्रॉप्स ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें आपने कॉपर सल्फेट होता है ना, कॉपर सल्फेट आप इसमें ऐड करोगे, जिसे हम ब्लू थोथा भी बोलते हैं, ठीक है। हम उसे इसमें ऐड कर देंगे और तब तक ऐड करते रहेंगे जब तक कि इसमें और कॉपर सल्फेट ऐड होना बंद ना हो जाए, ठीक है। जैसा आपने सुना होगा ना सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि जिसमें जब हम क्वांटिटी जब ऐड करते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब उसमें वो सब्सटेंस और नहीं घुल सकता है, ठीक है। तो वैसे ही हमें इसमें इसको कॉपर सल्फेट को इसमें डिजॉल्व करते रहना है तब तक जब तक इसमें और अमाउंट कॉपर सल्फेट की, किसकी, कॉपर सल्फेट की और अमाउंट इसमें ऐड होना बंद ना हो जाए, ठीक है। जब ये और अमाउंट इसमें डिजॉल्व होना बंद हो जाएगी तो हम इसे निकाल के कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब्ड रख देंगे, ठीक है। और कुछ आफ्टर सम आवर्स वी विल सी कि आपको कॉपर सल्फेट के प्योर क्रिस्टल्स ऑब्टेन होंगे। ओके, तो आपने देखा कि आपने कैसे कॉपर सल्फेट के प्योर क्रिस्टल्स ऑब्टेन किए, कैसे आपने प्योर क्रिस्टल्स बनाए कॉपर सल्फेट के। ओके, तो इसी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से हमें सॉल्ट है, सॉल्ट के क्रिस्टल्स भी ऑब्टेन होते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस। होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी बिलो इन माई कॉमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।